जय हिंद प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। वह है डिस्कशन आप सभी के लिए कि बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2023 के लिए सिर्फ एक महीने में कैसे तैयारी करें कि हमारा जो है 100% सिलेक्शन हो जाए। दोस्तों, आज जो मैं कुछ तरीके आप सभी को बताने वाला हूँ, उस तरीकों को अगर आप सभी स्टूडेंट फॉलो कर लेते हैं तो ये 100% जो बातें हैं ये सही होने वाला है आप सभी का। सिर्फ एक महीना आप सभी मुझे मेरे तरीके द्वारा आप सभी लोग पढ़े, मैं 100% गारंटी जो देता हूं कि आपका जो सिलेक्शन है वो होना निश्चित है, आपका जो है रिटर्न एग्जाम 110% निकल जाएगा। सबसे पहले बात आप सभी को करते हैं कि एक महीने में बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की तैयारी कैसे करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और आप सभी को यही चीज़ मैं बताता हूँ कि शुरुआती समय में आप कैसे पढ़े नहीं पढ़े उसे कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन अंतिम के समय में, अंतिम 20 दिन, अंतिम के 30 दिन में आपको वही चीज़ें पढ़ना चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। आप सभी सुने होंगे अंत भला तो सब भला, यानी कि अंतिम समय में ऐसे ऐसे चीज़ों को पढ़े कि आपका जो है यह वर्दी ये आसानी से आप सभी के घर में आ जाए। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊँगा कि आप सभी स्टूडेंट क्या करें। देखिए, समय बहुत ही लिमिटेड है, लिमिटेड रहने के कारण मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि अभी से आप सभी लोग क्या करें कि YouTube से जितने भी तैयारी होती है YouTube से वो आप सभी लोग नहीं करेंगे। आखिर मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि आप सभी को नहीं करने के लिए, YouTube पे आपको ज़्यादा समय लगेंगे और कंटेंट कम मिलेगा। फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप सभी लोग अगर YouTube से तैयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का, तो आप सभी स्टूडेंट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप नोटिस करिएगा, आप जाकर कभी भी किसी भी टीचर्स के लाइव वीडियो सेशन आप सभी जाएंगे वहाँ ज्वाइन करेंगे तो वहाँ देखेंगे कि कोई भी टीचर हो वो 20 क्वेश्चन कराएंगे आपको कम से कम डेढ़ घंटा में, वो 20 क्वेश्चन आपके कराएंगे कम से कम डेढ़ घंटा में। ओवरऑल देखा जाए तो वो डेढ़ घंटा में आप सभी स्टूडेंट अगर सेल्फ स्टडी कर देंगे, सेल्फ स्टडी अगर आप करेंगे तो मैं बता रहा हूँ कि डेढ़ घंटा में कम से कम आप 60 क्वेश्चन कर लेंगे, कम से कम 60 क्वेश्चन को आप कर लेंगे। अब यहाँ पर ये भी आप सभी का डाउट आ रहा होगा कि सर कन्फ्यूजन के टाइम में आप सभी जाएंगे यूट्यूब पे, मैं बिल्कुल कर रहा हूँ, कन्फ्यूजन जिस टाइम रहे आप सभी को उस टाइम जाए आप यूट्यूब पे और 1.5x के स्पीड में आप सभी लोग क्या करेंगे देखेंगे और जल्दी जल्दी जो है आप सभी अपना डाउट को जो है क्लियर करेंगे और आएंगे। सबसे पहले क्या करना है कि एक महीने सिर्फ और सिर्फ बुक को पढ़ना है, एक महीने सिर्फ और सिर्फ बुक को पढ़ना है। कौन सा बुक को पढ़ना है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आखिर बुक तो पढ़ना है लेकिन कौन सा बुक पढ़े, किरण का पढ़े या किसी और पब्लिकेशन का पढ़े। दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको सजेस्ट करूंगा कि किरण काफ़ी अच्छा है, लुसेंट काफ़ी अच्छा है, लेकिन लुसेंट और किरण से भी बेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ खान सर का RVD पब्लिकेशन का बुक खरीद लें। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं यह बुक को देखा हूँ, काफ़ी अच्छा बुक है, यह बुक में काफ़ी अच्छे से विस्तार किया गया है, वह सभी चीज़ों को लिखा गया है जो वास्तव में जो है बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के एग्ज़ाम के लिए काम में आने वाले वह सभी क्वेश्चन है, वह सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वही सभी को जो है उस बुक में छापे गए हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, फालतू ये चीज़ें पढ़ना होगा, जबकि लुसेंट में आपको एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, आपको किरण में थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, लेकिन बिहार पुलिस सिपाही भर्ती RVD का जो पब्लिकेशन का है खान सर का, उसमें आपको लिमिटेड ही पढ़ना होगा। तो लिमिटेड पढ़ने से क्या होगा कि आपको जो है कम समय बचा हुआ है तो आपको तो वैसे भी लिमिटेड ही पढ़ना होगा, सेलेक्टेड ही पढ़ना होगा। तो सेलेक्टेड पढ़ने के लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप RVD खान सर का पब्लिकेशन बुक आप सभी लोग परचेस कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी तैयारी अच्छा हो जाएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में हम चलेंगे, कितना घंटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रतिदिन कितना घंटा पढ़े, ये आपका जो है मूल मंत्र होना चाहिए, ये मूल मंत्र आपका होना चाहिए कि कितना घंटा पढ़े कि हमारा जो सिलेक्शन है वो हो जाए। दोस्तों, मैं एक चीज़ आप सभी को बोलूँ, अगर आप सभी को बिहार पुलिस का इस बार वर्दी लेना है तो आपको कम से कम 8 घंटा पढ़ना होगा। ये आपको 8 घंटा कम अगर ज़्यादा लग रहा है तो आप समझ लें कि आपको जो है ये वर्दी नहीं मिलने वाला है। मेरे दोस्त, 30 दिन बचा हुआ है तो 30 दिन कम से कम आपको 8 घंटा आपको समय देना ही होगा। अगर आप 8 घंटा से कम दे रहे हैं तो समझ जाइएगा कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। इसका रीज़न यह है कि दोस्तों 2 घंटा 3 घंटा तो हर व्यक्ति जो नहीं भी पढ़ता होगा ना एक साल, वो भी अगर फॉर्म डाल दिया है और एग्जाम नज़दीक आ जाता है 10 दिन 15 दिन 5 दिन, तो वो भी 2-3 घंटा पढ़ लेता है। और आपको तो वर्दी लेना है, तो वर्दी लेना है तो ये इतने स्टूडेंट जो 2-3 घंटे पढ़ रहे हैं उससे तो कुछ अलग करना होगा, उससे तो ज़्यादा ही आप सभी को पढ़ना होगा, तब जाकर ही आपको वर्दी मिल पाएगा। तो इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि 8 घंटा पढ़ना है, और 8 घंटा कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है और कौन कौन सी चीज़ों को छोड़ना है ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको तो सब टीचर बोलेंगे कि आपको सभी के सभी विषय को पढ़ना है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कुछ ही चीज़ों को आप पढ़ें जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। देखिए, मैं आपको बताऊँ, बिहार पुलिस सिपाही भर्ती में अगर चोरी नहीं चला, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अगर चोरी नहीं चला तो 100% गारंटी आप सभी को मैं बता दूं कि आपका जो कटअप जाएगा वो 65 से 70 के आसपास जाने वाला है, 65 से 70 के आसपास जाने वाला है अगर चोरी नहीं चला तो। अगर चोरी नहीं चलता है तो आप सभी के लिए बहुत ही बढ़िया है,
अगर चला तो ये कट ऑफ 80 पर भागेगा, अगर चल गया तो ये 80 पर, अगर नहीं चला तो 65 से 70 के बीच में रहने वाला है। 65 से 70 के बीच में रहेगा तो आप सभी क्या क्या पढ़े, देखिए आप सभी जानते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से जो है आप सभी का जो है 30 नंबर के पूछे जाते हैं, और हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से और इकोनॉमिक्स से जो है 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब यहाँ पर 70 नंबर, और हिंदी से 10 नंबर, इंग्लिश से 10 नंबर और मैथ से 10 नंबर, यहाँ पर 70 और 30 जो होता है 100 हो जाता है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझेंगे, हिंदी आप ले लेंगे, हिंदी को पढ़ेंगे, इंग्लिश को पढ़ लेंगे, उसके बाद आप सभी क्या करेंगे, हिस्ट्री पर आप सभी फोकस नहीं करेंगे, फिर से सुनेंगे, हिस्ट्री को आप सभी को फोकस नहीं करेंगे, पॉलिटी को फोकस करेंगे, पॉलिटी यह छोटा है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, उसका ज्योग्राफी पर आप सभी को फोकस करना है, उसके बाद फिजिक्स पर फोकस करना है, केमिस्ट्री को अवॉइड कीजिएगा क्योंकि केमिस्ट्री में थोड़ा सा केमिकल्स रिएक्शन यह सभी ज़्यादा पढ़ना होता है, उसके बाद बायो आप सभी को पढ़ना है, इतना करना है आप सभी को। देखिए 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद आप सभी का तो मैथ रहेगा ही क्योंकि मैथ आप सभी का स्ट्रॉन्ग रहता ही है, जैसे कि आप सभी को पता ही है बिहार वालों के लिए। तो 70 नंबर के क्वेश्चन अगर आप सभी लोग अगर कर लेते हैं, 8-8 घंटा अगर पढ़ते हैं 30 दिन, तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन आप सभी से एक भी बाहर नहीं जाने वाला है, एक भी बाहर आप सभी का नहीं जाएगा, और 100% ये जो कट ऑफ है 65 से 70 जो कट ऑफ है ये आप जो आसानी से पार कर लेंगे, अगर ये फॉर्मूला से अगर आप सभी स्टूडेंट पढ़ते हैं तो। यह काफ़ी अच्छा तरीका है आप सभी को वर्दी पाने का, बिहार पुलिस के सिपाही बनने का जो सपना है वो आप सभी साकार कर सकते हैं ये सभी तरीके से। अगर फिर भी अगर आप सभी को लगता है कि ये जो तरीका है ये तरीका में तो मैं ले लूँगा, लेकिन इसमें जो है हिस्ट्री को ऐड करूँगा, इसमें जो है केमिस्ट्री को ऐड करूंगा, इसमें जो है इकोनॉमिक्स का ऐड करूंगा, तो मैं बेशक आपको बताता हूं कि आप सभी ऐड करें, लेकिन सबसे पहले जो सेलेक्टेड चीज़ें हैं जो कम समय में ज़्यादा नंबर दे दे उसे ना आप पहले पढ़ेंगे, तो हिस्ट्री जो है वो समय ज़्यादा ले लेगा, इसलिए आप पहले ज्योग्राफी को पढ़ लें, उसके बाद पॉलिटी को पढ़ लें, उसके बाद इंग्लिश को पढ़ लें, हिंदी को पढ़ लें, उसके बाद फिजिक्स को पढ़ लें, बायोलॉजी को पढ़ लें, मैथ को पढ़ लें, उसके बाद समय मिले तो इकोनॉमिक्स पढ़ें, उसके बाद समय मिले तो आप हिस्ट्री पढ़ें, उसके बाद समय मिले तो आप केमिस्ट्री को पढ़ लें, पूरा आपको पढ़ना है, लेकिन समय अभी नहीं आया आपके पास तो ये लिमिटेड चीज़ ही पढ़ना है, ठीक है। अगर इतना करते हैं तो 110% मैं आपको बता रहा हूं कि आपको सक्सेस मिलेगा, मतलब आपका जो है रिटेन एग्जाम 110% एग्जाम क्रैक हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये तरीका आप सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे।